हे फूडीज, आज मैं बना रही हूँ बादाम की खीर और एकदम नवाबी स्टाइल में हम बनाने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है 30 आमंड, जिसको मैंने 7 to 8 आवर्स पहले भिगो दिया था ताकि जो इसका छिलका है वो ईजिली अलग हो जाए और इसको जब हम पीसने लगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए, इस तरह आपको जो छिलका है वो सारे अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी आमंड्स के जो छिलके हैं वो निकाल लिए। एक बार मैं इसे साफ़ पानी से धो रही हूँ और इसे पानी से धोना ज़रूरी है। उसके बाद हम जो ये पानी है वो निकाल देते हैं और जल्दी से इसको एक मिक्सर जार में शिफ्ट कर देते हैं और इसको हमें एकदम बारीक पीसना है, पेस्ट बनाना है इसका। और उसके अलावा मैं यहाँ पे 20 आमंड्स अलग से यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैंने 6 to 7 आवर्स के लिए भिगोया है और इसके भी हम छिलके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इसको मैं रफली कट करने वाली हूँ और इसको हम सबसे लास्ट में खीर में डालेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है 3 टेबलस्पून कोलम चावल। आप चाहे तो कणी भी ले सकते हैं, इसके अंदर आपको छोटे वाले चावल ही यूज़ करने हैं। तो ये देखिए, हमारा जो आमंड्स है वो पिस के रेडी है और पीसते समय मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितना दूध डाल दिया था ताकि इसका एक पेस्ट रेडी हो जाए। और ये हमारे जो राइस है उसका पानी निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 लीटर जो भैंस का दूध है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको फुल फैट मिल्क ही यूज़ करना है इस रेसिपी में। जो भी बर्तन आप यूज़ करते हैं खीर बनाने के लिए, उसका जो बेस है वो काफ़ी मोटा होना चाहिए। तो ये 3 टेबलस्पून राइस है जिसको मैंने 1/2 आवर के लिए भिगो दिया था। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर। 15 to 20 थ्रेड्स है ये केसर की। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अ पिंच ऑफ येलो कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसको स्लो फ्लेम पे हमें कुक करना है। अब आप इसमें डाल दें बादाम का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था और एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बादाम का पेस्ट डालने के बाद आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहे, बिकॉज जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है तो आप इसे बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो जो बादाम का पेस्ट है वो बेस में चिपक जाएगा। स्लो फ्लेम पे आप इसे कुक करें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो एट दिस स्टेज मैं इसमें डाल रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून जितना इसमें खोया डालना है, मावा। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, ये आप स्किप नहीं करें। इससे जो खीर की रिचनेस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बस आफ्टर 10 मिनट्स ये जो हमारी खीर है वो ऑलमोस्ट रेडी है, काफ़ी थिक भी हो गई और साइड में से मैंने जो मलाई थी चिपकी हुई कढ़ाई में वो भी निकाल ली है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4.5 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रफली चॉप्ड आमंड्स। जो 20 आमंड्स हमने भिगो के रखे थे उसके छिलका निकालने के बाद मैंने इसको रफली कट कर लिया है। और बस इसे भी आप कुक कर ले 5 मिनट के लिए। और ये देखिए, हमारी जो खीर है वो काफ़ी थिक हो गई है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया। अब जल्दी से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बादाम की खीर है वो रेडी है और इसे मैं गार्निश करती हूँ पिस्ता और बादाम के साथ। इसे आप विंटर सीज़न में गर्मा गर्म इंजॉय करें, और अगर आप ये समर में बनाते हैं तो इसे आप फ्रिज में 3 to 4 आवर्स के लिए रख लें और फिर इसे खाएं। बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है ये और खाने में एकदम लाजवाब। फ्रेंड्स, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था 4 आवर्स के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितनी थिक हो गई है, देखिए कितनी गाढ़ी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो रेसिपी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग।